वो मैनेजर्स का मकसद यही होता है कि आप के पास जो चीजें आपको कहीं ना कहीं पे इम्प्रूवमेंट की जरूरत होती है वो वार्म अप में आप अप्लाई करें। इस मैच में देख ले तो हमने भी एक्सपेरिमेंटेशन की है इसमें और डिफरेंट चीजें की है, अप्लाई भी किए, अच्छी चीजें भी मिली है और क्या कहते हैं कुछ इम्प्रूवमेंट के लिए भी चीजें मिली है। 15 प्लेयर खिलाने पड़ते हैं आपको, बेंच टेस्ट करना पड़ता है आपको, कुछ एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं। तो ये अगर आप देख ले इस मैच में भी देख ले हमारे, जैसे अगर ठीक है उन लोगों ने 346 चेस किया है, मगर आप मैं आपको डिफरेंट चीज बताऊं उसमें से, शाहीन के 10 ओवर, हारिस रऊफ के 6 ओवर, इस तरह शादाब खान के 10 ओवर, इस तरह इफ्तिखार के ओवर, तो ये कुछ चेंज ही होता होगा हमारे पास। जिस तरह हमारा बेंच है अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह हसन की बॉलिंग, आप बैटिंग में बात कर रहे हैं तो बैटिंग में हम सर 3-4 जो प्लेयरों की अलहमद इनिंग्स लगी है, तो कुछ चीजें अच्छी भी मिली है, कुछ चीज एक्सपेरिमेंट में भी आई है। हाँ ये एक बात जरूर है कि कई जगह पे हमने इम्प्रूव भी करना है, वो जो फील्डिंग डिपार्टमेंट में है जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह क्या कहते हैं एक जमाने से बहुत अच्छा करते आ रहे हैं, मगर मेरे ख्याल से स्टिल इसको हम इस तरह देख सकते हैं क्योंकि वार्म अप मैच था तो चीजें डिफरेंट थी, एक अपने अपने पोजीशन भी चेंज थे कि पॉइंट से मिड विकेट, मिड विकेट से डीप स्कोर लेग। तो ये हमारे जो एक पिछले 1.5 साल से एक चीज स्पेसिफिक बनी हुई थी कि शादाब पॉइंट में या कवर में रहेगा, तो अभी इस मैच में थोड़ी चेंजेस होती रही जिसकी वजह से मेरे ख्याल से फील्डिंग से कॉस्ट भी हुआ मैच हमारा, मगर ये इंशाल्लाह ने चाहा तो नेक्स्ट मैचेस में चेंज मिलेगा। आते वक्त भी डिफिकल्ट लगा था कि मतलब डिफरेंस लगा था कि इंडिया में क्या होना है और कैसे होना है, चीजें डिफरेंट होती है, मगर एक आइडिया था कि यार यहाँ पे अक्सर पिचेस ट्रू होती है बैटिंग के लिए, और मगर ये समटाइम हमें लगता अजीब है और आने में कुछ चेंजेस होती है, तो जहन में सिर्फ यही रखा था कि यार कंडीशन को हमेशा हम रीड करने की कोशिश करते हैं, मैं और कप्तान जैसे हमेशा वहां पे पिच पे जाके सिचुएशन को रीड करते हैं, उस तरह खेलते हैं। हाँ पिच थोड़ा सा बेहतर था और जहां तक मेरी इनिंग्स की बात है तो 100 आप कहीं पे भी करें, क्लब क्रिकेट में करें या डोमेस्टिक में करें, रीजन में करें, और ये ऊपर से पाकिस्तान की रही तो आपको खुशी मिलती है, सेटिस्फेक्शन होती है, आपको कॉन्फिडेंस आता है आगे के मैचेस के लिए। पाकिस्तान इंडिया के सॉइल पे पता नहीं कब खेलेगा या नहीं खेलेगा, तो कुछ चैलेंजिंग चीजें भी होती है क्योंकि वर्ल्ड कप है इंडिया में, ऊपर से कुछ इश्यूज भी आए थे और डिफिकल्टीज भी आई थी, तो यहाँ पे आके खेलना और परफॉर्म करना और अपने मुल्क का नाम रोशन करना, अपने मुल्क के लिए खेलना, तो एक इमोशनली आपको कुछ चीजें आती है, मतलब अंदर से फीलिंग अजीब सी होती है, और अल्लाह से उम्मीद है इंशाल्लाह कि अगर हम बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे अपने पाकिस्तान को, जिस तरह हमारी पाकिस्तान की एक्सपेक्टेशन हमसे है, तो उसी तरह कोशिश करेंगे, अल्लाह से मांगते रहेंगे, तो इंशाल्लाह एक अजीब सी फिजा बनेगी हमारी पाकिस्तान टीम की। इंशाल्लाह वेलकम जिस तरह इंडिया वालों ने किए यहाँ पे, हैदराबाद वालों ने किए, तो हमें देखिए पहले से ही इंडिया वालों की तरफ, जहां बाहर भी हमारे इंडिया के जो क्राउड पीपल्स लोग मिलते हैं तो बहुत प्यार से मिलते हैं, और ये प्यार सिर्फ इंडिया के आवाम में नहीं है, इस तरह हमारे पाकिस्तान वाले पीपल्स में जो आवाम उसके में दिलों में मोहब्बत है, इनके दिलों में सेम मोहब्बत हमने देखी है, ऊपर के बातें अलग है मगर अंदर जो आवाम की तरफ से मोहब्बत मिली, क्योंकि जैसे हम एयरपोर्ट पे आए, एयरपोर्ट से बाहर निकले और जिस तरह एक आवाज गूंजी है, तो यकीन करें कि हमें तो ऐसे लगे कि शायद हम वर्ल्ड कप जीतिए कराची या लाहौर के एयरपोर्ट से निकलने वाले, और सारे हमारे पाकिस्तानी वहां आई हुई है और इस तरह उन्होंने एंजॉय किया, तो हम जैसे यहाँ पे वहां पे इंटर हुए, यकीन करें एक अजीब सी फिजा थी, क्योंकि मैंने प्लेयरों से भी बात की है तो वो सब ने कहा कि यार कई कुछ बता रहे थे कि हमें गूज पंप्स हो रहे थे हमारे, क्योंकि इंडिया में आके इस तरह लोगों ने इस्तकबाल किया है, तो हमेशा याद रहेगा, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि जब इंडिया वाले इंशाल्लाह आएंगे तो हमारे पाकिस्तान में ज्यादा मोहब्बत देंगे इंशाल्लाह।